यार मिस मालिनी एक्चुअली मेरी दोस्त है काफ़ी सालों से, बहुत अजीज़ दोस्त है मेरी. सो आई विश हर ऑल द बेस्ट. इट्स बिन ग्रेट टू सी हर ग्रो ओवर द इयर्स. और मैं जुड़ा हूँ उनके साथ, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं पहले से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है. यार बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है यार, बिकॉज शी रोट अ बुक. आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग. आई थिंक मेनी पीपल इन देयर लाइफ डोंट गेट अ चांस टू डू दैट, एंड आई थिंक हर स्टोरी इज वर्थ रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट एंड लिसनिंग टू. और वेदर तो बहुत खूबसूरत है, हम लोग बीच पे हैं, सबको मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा है, कैमरामैन को भी मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे टू लॉन्च दिस बुक एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ इट. कालाकांडी के बारे में, कालाकांडी बहुत ही स्पेशल फिल्म है. मैं बहुत खुश हूँ प्रोड्यूसर्स को लेकर कि ऐसी फिल्म पे उन्होंने पैसा लगाया और मुझे सैफ के साथ काम करने को मिला, और मुझे लगता है सैफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की लाइफ की है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म एंड आई एम ग्लैड द फिल्म इज बीइंग लाइक्ड बाय एन ऑडियंस. अभी मैं जंगली पे काम कर रहा हूँ विद्युत जामवाल के साथ, और फिर एक फिल्म है राधिका आप्टे सिद्धांत कपूर के साथ बॉम्बेरिया करके, जो मुझे लगता है मार्च में आएगी. और फिर मैंने एक छोटी सी फिल्म की है संजय मिश्रा और रसिका दुग्गल के साथ रीइनकार्नेशन करके, तो वो भी आएगी ये सर. एक्शन एक्शन फिल्म है विद्युत जामवाल, तो जाहिर सी बात है कि एक्शन है उसमें. चक रसल जो कि जिम कैरी के डायरेक्टर थे द मास्क फिल्म पे, उन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म. तो उम्मीद तो है कि बहुत बढ़िया फिल्म होगी, और इंडिया में पहले बार मुझे लगता है कोई हॉलीवुड का नामचीन डायरेक्टर हिंदी फिल्म बना रहा है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसका एक भाग हूँ और मज़ा आ रहा है शूट करने. सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, लड़कियों का बहुत प्यार मिलता है आपको. थैंक यू यार, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है. हम लोग काम इसी के लिए करते हैं, एक्टर्स अप्रिसिएशन के लिए, तो जब वो मिलता है बड़ा अच्छा लगता है. तो थैंक यू, थैंक यू सो मच, गुड लक. थैंक यू, थैंक यू. बादशाह मालिनी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई थिंक राइटिंग अ बुक, माई फादर वॉज एन ऑथर एंड अ प्ले राइट प्रताप शर्मा, सो आई नो राइटिंग अ बुक टेक्स अ लॉट, एंड आई हैव बीन अप्रोच्ड अ फ्यू टाइम्स टू राइट अ बुक बिकॉज ऑफ माई शो एंड द पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म दैट आई हैव, बट आई हैवन हैड द करेज टू जंप इन टू इट. सो आई हैव ह्यूज एडमिरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू मालिनी. हाउ यू एंजॉयिंग
अभी तो मैं आई हूँ तो मैं अंदर जाके मैं इंजॉय करूँगी, बट आई कैन ओनली कम फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकॉज घर पे बच्चे हैं, सब लोग हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो सब घर पे हैं. अभी मैंने एक पिक्चर भी किया है बहुत दिन के बाद, तो मैं उसके बारे में बाद में बताऊँ. मिडल ऑफ द ईयर शायद दैट्स ये रजत कपूर, रणवीर शोरी, मैं, कल्की, साइरस साहूकार, मानसी मुल्तानी, श्रुति सेठ, सबके साथ. इट्स अ डार्क डार्क कॉमेडी बट आई कांट से मच बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. थैंक यू. आ जाओ बोला था, आ जाओ भाई. देखिए मैं मिस मालिनी जी को, आप बेटा अंदर आ जाओ. मैं मिस मालिनी जी को वैसे तो बातें इतनी के बहुत कहना चाहूँगा, लेकिन आई जो उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की और द राइट वर्ड शी रेवोल्यूशनाइज्ड व्हाट हाउ डू यू प्रेजेंट पीपल, हाउ डू यू टॉक अबाउट देम, वो ब्लॉगिंग हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर हो. मिस मालिनी का अपना अंदाज रहा है जो मुझे बहुत पसंद है. और बल्कि मैं बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं हाउ यू हैव टू बी रेलेवेंट एट ऑल टाइम्स, और अगर अनु मलिक आज 2015 में मोमो के धागे देकर 3 राष्ट्रीय पुरस्कार लेता है तो यू हैव टू री इन्वेंट. मिस मालिनी इज़ वन पर्सन हु कीप्स ऑन री इन्वेंटिंग हरसेल्फ ऑल द टाइम. और एक नया एक पन्ना खुला है जर्नलिज्म का, स्टाइल का, जो मैं आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट मिस मालिनी. और जो उनकी किताब रिलीज होने जा रही है विद हार्पर एंड कॉलिंस, आई थिंक इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मिस मालिनी. और बड़े बड़े स्टार्स ने उनके बारे में बोला है, मुझे कहा कि तुम 2 बजे आ जाना, मैं 5 मिनट पहले 2 बजे से आ गया बिकॉज आई रिस्पेक्ट वेरी मच एंड आई वॉन्ट विश ऑल द बेस्ट. द बुक इज़ अ फैबुलस रीड, इट्स अमेजिंगली वेल रिटन एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, बिकॉज इट विल गिव यू एन इनसाइट कि मालिनी अग्रवाल इज सच अ पॉजिटिव पर्सन. And you know, the kind of joy she brings into her own work and the kind of happiness she brings to other people's lives as well, it comes out in the book. So ye book zarur padhiye aap, and it's fabulous and we're all very excited to be here. Thank you so much.
मिस मालिनी की जो सफ़र हुआ है, जिस तरह से उन्होंने शुरू किया और आज इस कामयाबी पर पहुंची है एज एन सोलो एंटरप्रेन्योर, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल कि यू नो इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, यू कैन मेक अ करियर एंड यू कैन कार्व अ नीच फॉर योरसेल्फ। नहीं, मैं करना तो चाहता हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छा है, समुद्र का किनारा है, मगर मेरा दूसरा कमिटमेंट में आज बिग बॉस का फिनाले है तो मेरे को अभी भागना पड़ रहा है। अरे मुझे अगर पता था तो ये तो देश की जनता तय करेगी, मगर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स मेरे हिसाब से जो है वो है विकास, हीना और शिल्पा, इन तीनों में से मेरे को लगता है ये तीन टॉप में आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
congratulations to Miss Malini. Everything, everyone in the fashion world will agree that Miss Malini's word holds and goes a long way when it comes to fashion. So I'm really happy for her and for all that she's achieved. And a big day for her, so big congratulations. I know, I've actually never been here before, so I'm going to go check it out. Lots of enjoy. So I have Parmanu releasing, and then I'm working on Happy Bhag Jayegi 2. So far that's what I've got lined up, and hoping to find something else along the way. Shooting complete only, Parmanu? Parmanu shooting complete. You and John Graham. Very good experience. First time I'm working with John as well. And it was really good. It's a great script, and we had a great director as well, Abhishek Sharma, who had a very good vision for the film. So I think overall it's looking good. Thank you. एक बात बोलना चाहती हूँ कि मिस मालिनी एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक वन वेरी हार्ड वर्किंग यंग गर्ल हार्ड वर्किंग कैन टर्न इनटू वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लॉगर्स और ये एक एग्जाम्पल है हर लड़की के लिए कि हर कोई एक सेलिब्रिटी बन सकती है कोई बन सकता है और ऑल यू हैव टू पुट योर माइंड टू इट. आजकल दुनिया बदल चुकी है कि कोई डिजिटल मीडिया से सेलिब्रिटी और सुपरस्टार हो सकता है और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. शायद यू नो आई थिंक कि मेरी बेबी ही इज जस्ट अबाउट मेरा बाबा अभी 2 साल का है तो कोशिश है बाहर जाने के लिए थोड़ा काम करने के लिए लेकिन आई हेट लीविंग हिम आई लव मदरहुड सो लेट्स सी आई डोंट नो. I love Tiger. I just love him. उसमें कुछ ही है बात. I mean, I love him. I like Varun. I love Alia Bhatt. I think she's gorgeous. So many young girls, so many guys. And that's what I love कि आजकल इतना सारा talent है. I think उस जमाने में there was only maybe 5-6 superstars. Now even bloggers are superstars. Yeah.
नहीं ठीक है एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शी इज़ ए इंस्पिरेशन वाई बिकॉज मैं जो भी बॉम्बे आते हैं बाहर से जैसे मैं भी बाहर से आया हूँ तो वो सबसे पहले आके ना अपना एक इंस्पिरेशन देखते हैं मैंने भी कई लोगों को देखा और जैसे अक्षय कुमार सर हैं शाहरुख सर हैं जॉन सर हैं ये लोग सब अपने आप से ऊपर हैं एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ देम एंड एनी वन हु कम्स अप ऑन देयर ओन इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर पीपल सो मेनी पीपल हु कम टू बॉम्बे विद सो मेनी ड्रीम्स बहुत सारे पैशनेट ड्रीम्स के साथ लोग आते हैं जो बताते भी नहीं कई बार लेकिन ऐसे लोगों को देख के उन्हें ताकत मिलती है बिना कुछ कहे शी डजंट हैव टू इंटरेक्ट विद एवरीवन बस द फैक्ट दैट आई नो अबाउट हर इंस्पायर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कंग्रेचुलेट हर बी हियर फॉर हर सपोर्ट हर लवली हाँ ये मेरी एक फिल्म है जो पल्टन के बाद वी आर ट्राइंग टू डू इसमें द रिक्वायरमेंट वॉज लॉन्ग है सो जो मुझे डायरेक्टर बोलते हैं मैं तो फॉलो करता हूँ तो अगर आप मेरे डायरेक्टर हैं आप जो मुझे बोलोगे मैं वो फॉलो करूँगा पल्टन तो समर्स में मोस्टली आ रही है हाँ तो अभी तो लुकिंग फॉरवर्ड टू पल्टन जेपी सर की फिल्म है और वॉर फिल्म उनका ऐसा जॉनर है जो इंडिया में उनसे बड़ा कोई नहीं बना सकता और टाइम एंड अगेन वी हैव सीन दैट और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट और जो भी सर्कमस्टांसिस रही आई एम एक्साइटेड दैट हमने ख़त्म किया है और बहुत अच्छा निकल के आए हैं उम्मीद है आप जल्दी देखें हाँ अर्जुन सर हैं सोनू सर गुरमीत भाई एंड मुझे पता नहीं था कि ब्रदरहुड जो है फिल्म में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था पिछली बार मावरा थी मेरे साथ तो ब्रदरहुड का सवाल नहीं था कहीं भी लेकिन अभी मुझे समझ में आया कि सेट पे यू कैन हैव अ गाला टाइम ऑल्सो ये सब मुझे नहीं मालूम मुझे लगता था सेट पे एकदम सीरियस सा रहते हैं बट कमाल की बात यह है कि जेपी सर इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स हु डज नॉट रियली वॉन्ट यू टू बी वेरी सीरियस ऑन द सेट वो कहते हैं जस्ट शॉर्ट के टाइम पे वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब सीरियस हो जाता है उसके अलावा यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन सो ग्रेट थैंक यू Thank you.